कमान से निकल चुका है, अब मनाने का कोई फायदा नहीं है, फैसला कर लिया है, पार्टी छोड़ दी है, अब क्या अगला कदम होगा 14 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ दी उन्होंने, अब इसे लेकर के जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के अंदर। अहम खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के ऊपर जश्न मनाते बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं। कुशीनगर में बीजेपी की स्थानीय इकाई ने जश्न मनाया। पार्टी की स्थानीय इकाई में स्वामी का जबरदस्त विरोध था, कार्यकर्ताओं ने अब जमकर जश्न मनाया है, मिठाई बांटी है। स्वामी के जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहत महसूस किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मना रहे हैं लोग कि चलो स्वामी जी गए, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। विरोध कितना था स्वामी प्रसाद मौर्य का इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो जाने की वजह क्या है, लोगों के मन में विरोध था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, इसलिए बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे नहीं मिला इसलिए, या समाजवादी पार्टी में भविष्य दिखाई दे रहा है इसलिए, सवाल कहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पर किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, यह उसी से जुड़ी हुई तस्वीर फिलहाल आपके सामने। सबको खाना ही है, खा लीजिए उसके बाद बर्जन कराइएगा, मिठाइयाँ आ रहा लो, सबको खाना ही है, खा लीजिए उसके बाद बर्जन कराइएगा, मिठाइयाँ आ रहा लो, सबको खाना ही। तो एक कुशीनगर की तस्वीर फिलहाल आपके सामने है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं दोबारा सोच लीजिए, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत हो जाता है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं दोबारा सोच लो, संभव है पार्टी में वापस आ जाओ। और वही जो छोटे कार्यकर्ता है वो खुशी किस तरह से मना रहे हैं वो इन तस्वीरों में, ये अलग ही विरोधाभास पार्टी के खुद के अंदर दिखाई दे रहा है। मेरी सहयोगी प्रिया लखनऊ से इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रिया, पार्टी आलाकमान कुछ और कह रहा है, जो छोटे कार्यकर्ता है वो कुछ और कह रहे हैं। पार्टी का एक नेता कह रहा है चलो बढ़िया हुआ गए, हमें फर्क नहीं पड़ता, विकास किया है हमें वोट मिल जाएगा। और भाई दूसरा नेता कह रहा है, डिप्टी सीएम कह रहा है भाई सोच लो, दोबारा विचार कर लो, अभी फोन भी घुमाए जा रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल, देखिए चुनाव से ठीक पहले जो बगावत के सुर इस वक्त पार्टी में अख्तियार किए हुए हैं तमाम नेताओं ने, उससे एक बात स्पष्ट है कि वो बहुत लंबे अरसे से वो पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे, खुश नहीं थे। लेकिन ये बात डिप्टी सीएम तक को ना पता हो, ये हजम नहीं होती, ये डाइजेस्टेबल नहीं है। देखिए ये स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि इस बार नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट के टिकट काट दिए जाएंगे, वंशवाद नहीं चलेगा। बीजेपी हमेशा इस लाइन को लेकर के आगे बढ़ती रही है और वही चीज इस बार देखने को मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट उनका खुद कटने वाला था, इसका अंदाजा इस बात का उन्हें लग गया था, जिसके बाद उन्होंने बगावती सुर और तेज कर दिए। हालांकि बार बार वो ये कह रहे हैं कि मैं वंशवाद नहीं कर रहा, बेटे को टिकट ना दे, अपनी टिकट को लेकर के भी वो कुछ भी खुल करके बोलने से परहेज करते रहे हैं। लेकिन देखिए इस वक्त एक साथ जो बीजेपी विधायक इनके खेमे में है, जो ये दावा भी कर रहे हैं एक से दो दिन में पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी, हाँ। अगर वो सारे के सारे बगावती सुर अख्तियार कर लेते हैं, खबर ये है कि 50 से ज्यादा ऐसे सिटिंग जो इस वक्त विधायक है बीजेपी के, उनके टिकट काटे जाएंगे, जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे नहीं, जनता के बीच गए नहीं, जनता के लिए कुछ किया नहीं, नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट की कैटेगरी में वो आकर के खड़े हो गए, तो ऐसे लोग इनके साथ जाएंगे। समाज पार्टी क्योंकि अभी टिकट बंटवारा नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है प्रिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट कटना कोई बड़ी बात नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी ना हो इसे देखते हुए भी पार्टियां अक्सर ये काम करती हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला हो नहीं सकता है। सतीश प्रकाश जी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी जितना जानती है स्वामी प्रसाद मौर्य को, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो सर आप जानते होंगे, उससे ज्यादा तो मायावती जानती होंगी। पिछली बार भी मायावती ने यही कहते हुए पार्टी से निकाल दिया था कि अपनी फैमिली को सेट करना चाहते हो, अब उन्हीं की फैमिली सामने आकर के कह रही है ये तो मामला ही नहीं है, हमारे लिए तो टिकट ही नहीं मांगा, बेटा भी यही कह रहा है, बेटी भी यही कह रही है, कौन मानेगा इस थियोरी को सर? बसपा मानेगी, आप मानेंगे? नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब तक अब से पहले बीजेपी में रहे हैं और इसके बाद में वो कहीं ना कहीं सपा के अंदर जा रहे हैं, तो उनकी मनोस्थिति क्या है या क्या वो चाहते हैं इसके बारे में तो दोनों दल यही क्लियर करेंगे। मेरा मानना यह है कि देखिए, किसी भी सरकार का मंत्री अगर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है या सरकार से सेटिस्फाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार का राजनीतिक हाजमा खराब हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आप जो पिक्चर दिखा रहे थे, देखिए बीजेपी के का हाजमा कितना खराब किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने लड्डू दिखा रहे थे लेकिन खा नहीं पा रहे थे बीजेपी,
मेरा मानना यह है कि अभी जब जैसा कौशल खान जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अभी 40 या 50 विधायकों के टिकट और कटने वाले हैं, तो ऐसी प्रबल संभावना है कि जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है बीजेपी के लगभग 9 विधायक छोड़ के जा चुके हैं, और आने वाले समय में 40-50 विधायक जो है अगर बीजेपी को छोड़ करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो जनता बहुत पहले से कह रही है, देखिए इसी सरकार के अंदर पहली बार सरकार के विधायक विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ खड़े हुए, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाया। बंगाल इलेक्शन में भी हालांकि यही हुआ था सर, टीएमसी छोड़ छोड़ के तमाम जो विधायक थे, बड़े नेता थे, वो बीजेपी में जा रहे थे। सर लौट रही हूं आपके पास, एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले वो दर्शकों को बता दूं फिर आपके पास आऊंगी। सर देखिए लखनऊ में सहयोगी दलों के साथ अब बैठक करेंगे अखिलेश यादव, दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में ओपी राजभर मौजूद रहेंगे, महान दल अपना दल के नेता भी शामिल रहने वाले हैं। सहयोगी दलों की सीट फाइनल अखिलेश कर चुके हैं, अब उसी को लेकर के बैठक है। एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की एक या दो दिन में पहली सूची आ सकती है सामने, पहले चरण और दूसरे चरण में। रालोद को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद है, कई सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा उम्मीदवार लड़ सकते हैं, यह भी खबर है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 50 प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। तो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए, वो खफा थे, सीट उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, बेटे को नहीं मिल पाया, कई तरह की बातें। विजय कौशिक साहब आपके पास सर में अभी तक नहीं आ पाई हूं, अब ये बीजेपी का जो अंदर का झमेला चल रहा है वो तो एक तरफ है, सर मुझे ये बताइए नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में जा रहे हैं क्या? इमरान मसूद तो जा चुके हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी जा रहे हैं, फाइनल हो गया क्या? देखिए मैं आपको ये बता सकता हूं, कांग्रेस में आने वाले लोगों की कतार बहुत लंबी होगी निश्चित तौर पर। यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी जी जो कर रही हैं उससे सभी दलों को झटका लगने वाला है। अच्छा। और वहां पर हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ जिस तेजी के साथ लोग जुड़े हैं, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं तो जाने वालों की बात पूछ रही हूँ सर, कौन कौन रहा है वो तो जब खबर मिलेगी मैं दर्शकों को बताऊंगी, मैं बताऊंगी। प्रियंका गांधी भी ऐसी ट्वीट करेंगे अखिलेश यादव की तरह, वो खबर तो मैं दिखाऊंगी। सर जाने वालों के बारे में पूछ रहे हो, मसूद साहब तो चले गए, सिद्दीकी साहब का फाइनल हो गया है। जो जाने वाले हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। जिन्हें जाना था वो चले गए, जिन्हें हाँ। जाना होगा वो चले जाएंगे। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ इतने ज्यादा लोग आएंगे कि भाजपा जो है ना, आपको भाजपा में लोग दिखाई नहीं देंगे। भाजपा आज एक कंफ्यूज पार्टी है, वो ये नहीं सोच पा रही कि अपने लोगों के जाने का गम मनाए या खुशी मनाए।